बिल्कुल आज पिताजी, का माहौल देख के जो आज आपने देखा भाईचारा देखा ये मात्र शक्ति लड़न हो रही थी मेरे गल्या। हमारा तो काम है, हमारा तो एंटी सवाल काम करने का है जी, तो वो लड़न होगी ना बोली राधा ने जताऊंगी, खुश तो बहुत हो गया आज। भाई देखो उनकी भावना है और भावना का कोई मोल नहीं है, भावना के आगे कोई पार्टी नहीं है, भावना के आगे कोई चीज नहीं है। जो अगर आपस में अगर उनके दिल में ये बैठ गई मैं उनकी पसंद हूँ तो वो वही बात बोलेंगे, महिलाएं कोई फेक बात नहीं करती। अच्छा जैसे देखियो सीधा आपको श्यामी लाकर खड़ा कर दिया, राधा इलेक्शन लड़ेंगी और राधा मातृ शक्ति का विकास करेंगी, क्या मतलब कुछ मन में है जो अपनी नारी शक्ति के लिए, आप एक नारी हो एक मातृ शक्ति हो तो क्या मुद्दे हैं सिर्फ औरतों के लिए बताओ पहले। देखो रही बात राधा आगे आएगी ये तो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी कौन आगे आएगा। मैं पार्टी में होते हुए, मैं उस पार्टी की सेवक होते हुए मुझे हमेशा ही काम करना है, मेरी बची हुई जिंदगी मैंने सिर्फ अपनी महिलाओं के ऊपर उठाने के लिए काम करना है। नरेंद्र भाई मोदी जिस लाइन में काम कर रहे हैं मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, और मैं अपनी महिलाओं को जितना ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान कर सकूं, उनका जीवन स्तर ऊपर उठा सकूं, उसके लिए काम करना मेरे लक्ष्य यही है सिर्फ। पहला जकरा सबसे पहला जकरा हो टिकट का, हर कोई अपनी मतलब पूरी पावर अजमान लाग रहा है भाई मन मौका मिल जावे मैं कैंडिडेट बन जाऊं, आप भी अपना पूरा हंगा लगा रहे हो। चलो अगर भाई दबे 1% बात ना बनी तो भी पार्टी में उतना हंगा लागे 24 के 34 पूछिए रैली होंगी। मैं आपको ये कह रही हूँ मैं अपना जिम्मेवारी लेती हूँ, मेरे जितने समर्थक है मेरे साथ है, मैं पार्टी के साथ हूँ, बोला ना आपको पार्टी की सेवक हूँ, पार्टी के लिए काम करूंगी और आखिरी सांस तक पार्टी के लिए काम करूंगी, टिकट किसी को भी मिले। बड़े लोग नु कह रहे हैं की बार कांग्रेस की लहर आने वाली है तो कैसे अपने आप को एडजस्ट। भाई तुम भी हंस लो, शायद मैंने भी ये बात सुन के हंसी आवे, रोज टीवी देखू मैं और तुम समझदार हो मेरे से ज्यादा, आप लोगों के पास ज्ञान है। आप किस दावे पे कांग्रेस कह रही कि कांग्रेस आएगी जिसके पास जिला मुख्यालय तक प्रधान नहीं है, और मैं तो 2-4 लोग जो डेली टीवी पे देखती हूँ और गणमान्य व्यक्ति जो सो कॉल्ड जिसको कांग्रेस बोल रहे हो उनका भी एक का नहीं है, तो आप किसको बोल रहे हो कि कांग्रेस आएगी, कहीं कुछ दिख रहा है आपको, आप ही बता दो। नहीं देखो आम तो आप लोगों की सुने हैं और आम पब्लिक की सुने हैं, जैसे आप लोगों के सामने परोसते हैं फिर आपसे जवाब लेने हुए हैं। मैम के लिए कोई दो मुद्दे मेरे को इतने खास बता दो, अगर राधा जीत गई तो सबसे पहले बस वही सिरे चढ़ाए जाएंगे। मेरा मुद्दा नंबर एक, मेरे महम के अंदर जो पिछले 10 साल से शमशेर जी ना बने होते भी जो विकास कार्य के लिए काम कर रहे हैं, आज भी अगर मेरे कोई अधूरे कार्य हैं, एक दिन आऊंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे महम को मैं, जैसे शमशेर जी का सपना है कि इस महम को मैं कनॉट पैलेस जैसा बनाना चाहती हूँ, एक महिला हूँ, साफ सुथरी जगह मुझे अच्छी लगती है, विकास कार्य मुझे अच्छे लगते हैं और विकास कार्य की ऑलरेडी रफ्तार की लाइन लगी हुई है, और इस महम को मैं इस मुकाम तक पहुंचाना चाहती हूँ कि पूरे हरियाणा के अंदर पूरे देश के अंदर जब कोई नाम ले तो कहे कि महम जैसा विकास हमने कभी नहीं देखा, मैं वैसा काम करना चाहती हूँ। जैसे पानी का था इस बार खेतों में पानी की बड़ी समस्या रही, बड़ा मतलब बहुत बर्बादी, फसल बर्बादी हुई, राज तो भारतीय जनता पार्टी का था फिर भी। भाई ये सवाल वैसे तो आपको ना MLA साहब से करना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ ना मेरे पास कोई पद है। विधायक जी के पास जाते हैं तो विधायक जी ये कह रहे हैं कि मारा हाथ में कुछ है ही नहीं। भाई विधायक जी MLA किसने बनाया, मैं मलके ने, किसने बनाया, लोगों ने, और फिर कहाँ गए, भारतीय जनता पार्टी के पास, फिर वापिस क्यों आए। अगर मुख्यमंत्री से बहुत बड़ी डिमांड थी तो कहते मुख्यमंत्री जी आप कुछ मत बनाओ, लेकिन लोगों ने मुझे MLA बनाया, मैं उनकी सेवा करूंगा, ये काम उनको करना चाहिए, मैं एक सेवक के नाते मैं सेवा कर रही हूँ और काम आगे मैं करती रहूंगी। आज का जो माहौल आपने देख लिया तो आज के माहौल के बाद में कुछ मन में, या आज रात को तो अच्छी नींद आने वाली है, ले भाई इतना बढ़िया माहौल था, भाईचारा इतना था, मातृ शक्ति ने पूरा अंग लाया था, तो उस पे क्या कहोगे जो आज पब्लिक यहाँ देखो। जो मेरी मातृ शक्ति है उनको बहुत दिन से मैं जब इनके पास जा रही थी तो शायद उनको एक अंदर से कशिश थी कि हमारी कोई सुनने वाला कोई नहीं है, वोट लेने आते हैं राजनीतिक लोग, वोट मांगते हैं और लेके बोले, देसी भाषा में बोलूं बोले हमारी जात नहीं पूछ दे। तो मैं जब उनके पास गई उनका दर्द सुना, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मैं घर चलाती हूँ परिवार चलाती हूँ, तो समाज का बारे में भी मुझे पता है और महिलाओं के दुख तकलीफ का पता है, तो जैसे मैं उनके पास बैठी उन्होंने अपनी सारी तकलीफ मुझे सुनाई, बस हमारा आपसी प्रेम एक दूसरे का विश्वास जागृत हुआ है, उसी के तहत आज भीड़ जो है महिला नहीं मेरा जो है, नहीं ऐसा है, डोर टू डोर मैं पिछले 6 महीने से कार्यक्रम शुरू किया था, जो कि मैं गांव में गई तो मुझे लगा कि गांव में बहुत सी समस्याएं हैं और समस्याएं जो है पेपरों से संबंधित है, फैमिली आईडी, आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड, जो कि लोगों के कुछ कागजों की कमी की वजह से नहीं बन पा रहे थे, सिर्फ उनको मैंने लाइनबद्ध किया है और उनको गाँव गाँव में जाके आपने लोकल कैंप लगवा के
गांव गांव में कैंप लगवाए और 7 सदस्यों की मेरे पास टीम है। आज भी मेरी टीम मेरे ऑफिस में काम कर रही है। ये कोई टीम कोई सरकारी नहीं है, मैंने अपने पास टीम बनाई, पढ़े लिखे बच्चे कंप्यूटर वाले लिए, सब कुछ उनके गांव में जाके पंचायत घरों में बैठ बैठ के मैं 8-8 घंटे गांव में पंचायत घर के अंदर बैठी रही हूँ। गांव की महिलाएं पुरुष जो भी परिवार आए, मैंने एक जिम्मेवारी ली है कि आप मेरा बढ़ा हुआ परिवार हो, आपकी हर समस्या का समाधान करना मैं जिम्मेवारी लेती हूँ। मैं हमारे सामाजिक के साथ साथ हमारे जो सरकारी तंत्र है उसको यूज करके मैं उनकी मदद कर रही हूँ और शायद 70% परिवार ऐसे हैं जो कि आज खुश हैं इस बात से कि हमारे सब कार्य हो चुके हैं। जी, आज स्पेशल आपने खड़े होके ऑन रोड रास्ते में रुक के मुझे समय दिया, एक तो मैडम जी थैंक यू, और हम पर्सनली शुभकामनाएं दे रहे हैं कि बेड़ा पार जावे। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। रोड पे खड़े होके नहीं, आप गांव में कभी आ जाना, मैं किसी चूल्हे के पास बैठी रोटी खाती मिलूंगी, चारपाई पे बैठी मिलूंगी, और खेत में अगर महिलाएं कपास उग रही हो तो वहां कपास उगती भी नजर आ जाऊंगी। मैं गांव की धरती से जुड़ी हूँ, मुझे लगाव है, और ये मैं कोई दिखावे के लिए नहीं करती, मुझे अंदरूनी प्यार है, उनका दर्द पता है, मेरी महिलाओं की समस्याओं का पता है। मैं चाहती हूँ कि उनके पास जाके मैं उनको अपनेपन का एहसास करा पाऊँ, उसके लिए कोशिश कर रही हूँ। अगर अवसर मिला, भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पे आपको सामने लाके खड़ा कर दिया, तो आपको लग रहा है कि जीत पक्की है? आपको पता ही लग जाए, मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती ये बात, आपको आज शक्ति प्रदर्शन से पता चला, और चौबीसी के चबूतरे में आज तक चौबीसी के चबूतरे पे इतिहास रचे गए हैं, और शायद ये महिलाएं आने वाले समय में कुछ इतिहास जरूर रचेगी, ऐसा मुझे अंदर से महसूस हो रहा है। थैंक यू जी। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और देखिए आज जो मातृशक्ति का जोश आप लोगों ने दिखाया राधा मैडम के साथ, वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं, और उनके जो साथी हैं, उनके जो साथ में काम करने वाले हैं, वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं। शेयर कर दो साथ के साथ इस वीडियो ने, और भाई इस तरह की नई वीडियो अपडेट लेके आते रहोगे। आपने राधा मैडम की पोजीशन किसी लगी, क्या लग रहा है वो इलेक्शन को आर पार कर पाऊंगी, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। सारे भाई राम राम, जय हिंद जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।